अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी खैरियत से होंगे। और जैसे आप लोगों को मालूम है कि जैसे रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने अपनी लेक्चरार बॉटनी की प्रिपरेशंस को स्टॉप कर दिया था, क्योंकि टाइम ज़रा मैनेज नहीं होना था। तो अब ईद गुज़र चुकी है और आज से हमारी प्रिपरेशंस भी आज से मुझे दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं। और जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था, उससे नेक्स्ट टॉपिक है अलग ही हमने स्टार्ट किया हुआ था, और उसका उसकी जो पहली डिवीजन है उसे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। उसकी डिवीजन का नेम है क्लोरोफाइटा। तो स्टूडेंट्स, इसके नाम से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये क्लोरोफाइटा यानी कि इसमें जो मेन पिगमेंट होगा, जिसकी वजह से उसका कलर भी होगा, वो है क्लोरोफिल। द डिवीजन क्लोरोफाइटा इंक्लूड्स अ सिंगल क्लास क्लोरोफाइसी। इसमें एक ही क्लास है क्लोरोफाइसी। इसके जनरल करेक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। द मेंबर ऑफ दिस डिवीजन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रास ग्रीन क्रोमेटोफोर्स। अब इसके अंदर क्या होगा, क्रोमेटोफोर की बात आ गई। क्रोमेटोफोर्स कहते हैं पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स को। किसे कहेंगे? पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स को कहेंगे, और जिनके अंदर जो मेन पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल होगा, जिसकी वजह से इसका कलर भी ग्रीन हमें दिखाई देता है और इसका नाम भी क्लोरोफाइटा है। जी, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। द ग्रीन एल्गी आर वाइड स्प्रेड एंड अकर बोथ इन फ्रेश एंड मेरीन वाटर ऑन मॉइस्ट वुड। ये गीली लकड़ी वगैरह, देखना अक्सर लकड़ियों के ट्रंक वगैरह पड़े होते, मेन बड़े तने जिनके ऊपर बार्क होती है। फिर उन बार्क के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से सॉयल के पार्टिकल उनके अंदर इंटेंगल होते हैं। तो जब कोई स्पोर वगैरह वहां आके गिरता है किसी फंगस का या एल्गी का, यहाँ पे हमारा मेन फोकस एल्गी है, तो उनके कोई स्पोर वगैरह वहां आके गिरते हैं, तो होता क्या है कि उनको जब फिर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं, उन्हें मॉइस्चर मिलता है, टेम्परेचर सूटेबल होता है, तो वो ग्रो करते हैं। तो फिर उन लकड़ियों के ट्रंक्स, जिन्हें लॉग्स भी कहते हैं, उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं, रॉक्स पे ग्रो करती हैं। ये रॉक्स पे ग्रो करने वाला, वही हम इस पॉइंट को मैच करेंगे। आप लोगों ने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का 25 चैप्टर है इकोसिस्टम वाला, वहाँ पे सक्सेशन का पढ़ा है, जो बेर रॉक्स वगैरह के ऊपर भी होती है, वहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं। और उसके साथ साथ उसके बाद हमारा पॉइंट है एंड ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस ऑफ एंड विद इन सॉइल, ये वहां पर भी ग्रो करते हैं। आगे, नंबर ऑफ स्पीशीज आर एपिफेटिक ऑन अदर अलगल प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट एंड एनिमल। अब जैसे कि एनिमल है ना, आप लोगों ने पढ़ा ये फ्रेश वाटर मरीन वाटर में भी होते हैं, तो वहां पर ये मोसल्स जिन्हें मोलस्का भी कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा वाले एनिमल भी हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर भी ये ग्रो करती हैं। मोस्ट ऑफ द मेरीन स्पीशीज आर अटैच टू द रॉक्स एंड लार्जर अल्गी एंड ग्रोइंग ऑन सैंडी बॉटम, ये उधर भी ग्रो करते हैं। जी, आप ये पॉइंट नंबर टू देखें, इसमें से कोई मुश्किल पॉइंट है आप लोग पूछें अपना। पॉइंट नंबर टू आप लोग ना क्लास से, ये पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, ये चार पॉइंट आप लोग रीड करें और फिर इसमें से आप लोग अपना पॉइंट पूछें। जी आप लोग इसको रीड करें, इसमें से पूछें। ये चार चार पॉइंट आप लोग इसको अच्छे से रीड करें।
जी ये चार पॉइंट आप लोगों ने रीड किए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इसमें से कोई डिफिकल्ट पॉइंट है तो वो आप लोग पूछे। क्लियर है। जी उसके बाद हमारे पास सिक्स पॉइंट है। इसके जो सेल है इज बाउंडेड बाय टू लेयर्ड सेल वॉल। यूजुअली इन सम फॉर्म द सेल वॉल इज एब्सेंट। द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड इनर इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज पेक्टिन एंड इन सम केसेस पॉलीसेकेराइड आर आल्सो प्रेजेंट। ये अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर मौजूद होंगे। सेम उसी तरह सातवां पॉइंट है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। सातवें पॉइंट में वो बात करेगा कि साइटोप्लाज्म इज डिस्टिंक्ट एंड कंटेन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स। ये इसके अंदर मौजूद होंगी। आगे है ऑर्गेनेली कौन सी होंगी? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है उसी वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल, के इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। एंड एनक्लोज न्यूक्लियोलाई, क्रोमोसोम एंड कैरियो लिम्फ। अब देखें इसमें लफ्ज आ रहा है कैरियो। कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को, लिम्फ कहते हैं लिक्विड पार्ट को, एक्वेटिक पार्ट को, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, या काकरोच की बॉडी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि उनके अंदर लिम्फ मौजूद होता है। सेम आगे वो बात करेगा यूजुअली, अब इसे हम कैरियो लिम्फ कहेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है न्यूक्लियस का, जिसके अंदर उसका क्रोमेटिन मटेरियल उसके अंदर डिस्पर्स्ड होता है। यूजुअली अ सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बट इन सम जेनरा द क्लास आर सिनोसाइटिक। जी इसके बारे में कोई मेंबर बताए सिनोसाइटिक क्या मतलब है इसका, देन फिर मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ इसे मजीद। मल्टीन्यूक्लियेट होते हैं सर, क्रॉस वॉल्स नहीं होती। जी हाँ इसके अंदर क्या होगा कि फिलामेंटेड बॉडी होगी तो उसके फिलामेंट्स के सेल उसमें एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे, कोई क्रॉस वॉल नहीं होगी, किसी किस्म का कोई सेप्टा मौजूद नहीं होगा, तो हम इसे क्या कहते हैं सिनोसाइटिक। जी उसके बाद हमारे पास है इसका पॉइंट नंबर नाइन है द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन, ग्रास ग्रीन एंड वेरी इन नंबर एंड शेप फ्रॉम सीपीशीज टू सीपीशीज। दे कंटेन क्लोरोफिल ए बी अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स। ये कैरोटीनाइड्स की एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास ऑरेंज टू रेड वेवलेंथ वाला पिगमेंट होता है कैरोटीनाइड्स। एंड सर्टन ज़ैंथोफिल्स ये येलो पिगमेंट होते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ सीपीशीज पायरेनाइड्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, पायरेनाइड्स होंगे। ये क्या होते हैं पायरेनाइड्स? जी जी ग्रुप मेंबर बताएं पायरेनाइड्स क्या होते हैं? आप लोग जाग रहे हैं? सर फूड स्टोरेज पार्ट होता है ये, लगता है आप लोगों ने रीड नहीं किया आज इसे। ये पायरेनाइड्स होती हैं, इन्हें हम ना स्टार्च बॉडीज कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, स्टार्च बॉडीज कहते हैं। इसके अंदर ये स्टार्च स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है पायरेनाइड्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये वो बॉडीज होती हैं, ये वो स्ट्रक्चर होते हैं
जिनके अंदर स्टार्च मौजूद होगा, ठीक है। द रिजर्व फूड स्टार्च एंड स्टोर्ड इन प्लास्टिड। देखें रिजर्व फूड क्या है, स्टार्च। अब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, जो इनके पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको ये पॉलीसेकेराइड स्टार्च में कन्वर्ट करके अपने सेल में पायरेनाइड्स की शक्ल में स्टोर कर लेंगे, और जरूरत पड़ने पर वो इनको यूज भी करते हैं। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मोटाइल अल्गी एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ नॉन मोटाइल ग्रीन अल्गी कंटेन अ रेडिश स्पॉट कॉल्ड आई स्पॉट और स्टिग्मा। अब इनके पास ना ये क्या होता है, सुन ले गौर से इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो मोटाइल है, मोटाइल अल्गी हैं, पानी एक्वेटिक वगैरह बॉडी में ये मूव करते हैं, या उनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनके पास क्या होता है, एक रेडिश आई स्पॉट होगा। अब लफ्ज आ गया रेडिश, ये है रेड से, तो मतलब बात ये कि यहाँ पे कोई पिगमेंटेड स्ट्रक्चर मौजूद है और वो है कैरोटीनाइड्स। ये कैरोटीनाइड्स इस इनके पास एक रेडिश पॉइंट बनाते हैं रेड कलर का, जो इनका सेंसिटिव पार्ट होता है, और वो इनको क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करने में उसके हवाले से वो मूव करते हैं। जैसे आप लोगों ने ये फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स पढ़ी, जो लाइट स्ट्रीमुलस मिलेगी और बॉडी उसके रिस्पांस में मूव करेगी, तो ये जो हमारे पास अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना क्लोरोफाइटा में कैलम एडमोनास, इनके पास ये आई स्पॉट है, रेडिश आई स्पॉट है, जिसमें कैरोटीनाइड्स पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो इनके लिए लाइट सेंसिटिव है, जो इनको लाइट्स के हवाले से डायरेक्शन देते हैं और मूव करवाने में हेल्प करते हैं। जी ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, पॉइंट नंबर 10। सर ये जो आपने पायरेनाइड का बताया है तो ये हम और तो कहीं नहीं पढ़ते क्लोरोप्लास्ट में, अल्गी, ये अल्गी से रिलेटेड है, सिर्फ ये अल्गी में पाए जाते हैं। तो सर वहाँ फोटोसिंथेसिस तो हर उसमें हो रही होती है, जितने भी जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो वहां पे तो हम स्टार्च बन रही होती है, लेकिन वहां पे हम पायरेनाइड का नहीं पढ़ते, तो वहां भी तो स्टोरेज हो नहीं रही होती। जी सुने सुने मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये प्लांट है ना जिनके अंदर एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरह होता है, वहां पे ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, जबकि यहाँ पर ये, अच्छा वो जो स्टार्च, देखें अब जैसे प्लांट है ना, प्लांट के अंदर, अब प्लांट को अल्गी के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो प्लांट तो ये हायर ऑर्गेनिज्म है, तो इनके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर स्टार्च स्टोर होती है, ये अपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि इनके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम है वो स्टार्च ने, उसने क्लोरोप्लास्ट ने ऑक्यूपाई किया होता है, इसलिए फिर देखें अगर हम एल्गी के सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट तादाद में थोड़े हैं, सेल का वॉल्यूम थोड़ा कवर किया हुआ है, तो फिर साइटोप्लाज्म में मेजर जगह मौजूद होगी, तो वो फिर साइटोप्लाज्म में स्टोर करते हैं, लेकिन इसका केस यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्लोरोप्लास्ट ने ऑक्यूपाई किया होता है, इसलिए ये अपने स्टार्च को क्लोरोप्लास्ट में स्टोर करते हैं। सर तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो फ्रूट में भी स्टोर होता है, हायर प्लांट्स में? बिल्कुल, अब देखें फ्रूट क्या है, अब देखें फ्रूट के अंदर बेसिकली क्या, उसकी खुराक स्टोर होती है, और ये उनका फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर है, फ्रूट का वर्ड हम फूड के लिए यूज करते हैं। ओके सर, पायरेनाइड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अल्गी वगैरह से रिलेटेड है, ये है आगे उसके बाद है। अच्छा ये आइस पार्ट भी हो गया, उसके बाद 11 पॉइंट है, ग्रीन अल्गी प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल है। पॉइंट नंबर 12 है, क्लोरोफाइटा का मेजॉरिटी ऑफ फॉर्म्स एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजिंग फ्रॉम आइसोगैमस टू ओगैमस, जैसे हम लोगों ने लास्ट में पढ़े थे इनके बारे में। मोस्ट ऑफ द फॉर्म हैव हैप्लॉइड डोमिनेंट फेज, अब इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। अब हम लोग आ जाएंगे कैलम एडमोनास पे, इसका किंगडम है प्लांटी। अब आप लोग कहेंगे हैं प्लांटी किधर से आ गया, ये इनकी ओल्ड क्लासिफिकेशन है, डिवीजन क्लोरोफाइटा है, क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है, फैमिली इसकी कैलम एडमोनास
जी कोई एक मेंबर इसका फैमिली का नेम पढ़े। क्लेमेडोमोनेडेसी। जी क्लेमेडोमोनेडेसी है, उसके बाद जीनस है इसका क्लेमेडमोनास। अब इसका डायग्राम देखें आप लोग, इसका स्ट्रक्चर जी देखें, इसके पास आउटर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, पैरानाइट्स इनके पास मौजूद है, न्यूक्लियस है, ऊपर आई स्पॉट है, स्टिग्मा मौजूद है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। जी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है? आगे हमने ठीक है रीड करने हैं लेकिन आप लोगों में से देखें, अब ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, ठीक है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, तो इनकी बॉडी में पानी ऑस्मोसिस करके मूव करके आएगा, तो जब इनके पास पानी सेल के अंदर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा वैक्यूल में, तो ये वैक्यूल कंट्रैक्ट करेगा और एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से बाहर रिलीज करेगा, और जब कभी पानी इनको सेल के अंदर थोड़ा होता है तो यही कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पानी को स्टोर करते हैं। और दूसरा ये है बाईफ्लैजिलेटेड है, इनके पास दो फ्लैजेला मौजूद होंगे। अक्रस, जी आप लोग इसकी अक्रस को रीड करें और बताएं इसमें कोई डिफिकल्टी है तो। जी अक्रस पढ़ ली आप लोगों ने? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को?